हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोबरा इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर एक टर्म सुनी होगी, कोबरा इफेक्ट। दोस्तों, कोबरा इफेक्ट एक सिचुएशन होती है जिसमें कोई कंपनी या पर्सन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन निकालता है, पर वो सॉल्यूशन आगे चलकर उस प्रॉब्लम को और कई गुना बढ़ा देता है। ऐसे सिचुएशन को कोबरा इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों, कोबरा इफेक्ट इंट्रोड्यूस इंडिया में ही हुआ है, एक समय की बात है। दिल्ली में कोबरा स्नेक बाइट्स के केसेस काफ़ी लगातार बढ़ रहे थे, उसे देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये नया रूल निकाला कि जो भी पर्सन डेड स्नेक्स को लाकर हमें देगा, हम उनको एक सिल्वर कॉइन देंगे। इसी के चलते कई सारे लोगों ने सांपों को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते कुछ हद तक प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गई। पर कुछ समय के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बहुत सारे लोग सांपों को लेकर आने लगे सिल्वर कॉइन्स के लिए। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की, तो उन्होंने अपनी इंक्वायरी में पाया कि लोग सिल्वर कॉइन्स की लालच में स्नेक्स को पालने लगे हैं और उनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं। इसी के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सिल्वर कॉइन देने का प्लान था उसे कैंसिल कर दिया, जिसके चलते लोगों ने जो सांप पाले थे वो उनके कुछ काम नहीं थे, इसलिए उन्होंने बाहर छोड़ दिए, जिसके चलते स्नेक बाइट्स के केसेस पहले से भी ज़्यादा बढ़ने लगे। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक सॉल्यूशन निकाला जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पर वो सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को और कई गुना बढ़ा देता है। इसे एक एग्जांपल समझते हैं। दोस्तों, एक कंपनी थी विल्स वार्गो, जिसने 2016 में ये प्लान निकाला कि जो भी सेल्समैन उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल करेगा उनको कंपनी इंसेंटिवाइज करेगी। इसके चलते जो भी सेल्समैन थे उन्होंने अनएथिकल तरीके अपनाने लगे अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए और रिवॉर्ड पाने के लिए, जिसके चलते आगे चलकर ना ही कस्टमर्स को फ़ायदा हुआ ना ही कंपनी को। दोस्तों, एक कंपनी है वेप्स नाम की, जिसने ई सिगरेट लॉन्च की थी स्मोकिंग हैबिट्स को कंट्रोल करने के लिए, पर हैबिट तो कंट्रोल नहीं हुई, पर जो यूथ है वो ई सिगरेट पर हैबिट कंट्रोल तो नहीं हुई, पर ई सिगरेट्स काफ़ी पॉपुलर हो गई और ये आज इंडिया में सिर्फ $18 बिलियन की मार्केट है। उम्मीद है आपकी जानकारी पसंद आई। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू।